Hi everyone, welcome to my channel and welcome to another video. आज का जो video है it's going to be on a Meesho footwear haul and मेरे पास इतने सारे footwears है to share with you all. बहुत ज़्यादा time हो गया था कि मैंने Meesho से footwears नहीं लिए and I really wanted to show you all some affordable footwears जो आप office, college, casual wear के लिए पहन सकते हैं. So सारे links आपको description box में मिल जाएंगे. Let's get started with today's video. Okay, so the first footwear that I have to share with you all is this one and ये था Shoetopia से. maximum मैंने 3-4 footwears लिए हैं Shoetopia से and दूसरा मैंने लिया है JM Look से. so this is the one that I got and ये मुझे काफी ज्यादा like Gen Z type का लगा and इसलिए मैंने ये वाला लिया. आप देख सकते हैं black and white combination में है but ये ना आप इसे बारिश में पहन सकते हैं because इसका जो material है ना ये ऐसा है कि आप इसे easily water के साथ wipe कर सकते हैं. so ये कुछ इस type से है. it has this like platform heel and it also has really nice buckle over here and काफी अच्छा लग रहा है. मतलब I did not expect इसी quality इतनी ज़्यादा अच्छी आएगी and pricing सबकी काफी ज़्यादा affordable है. so उस हिसाब से काफी अच्छा है. so इसमें मैंने अपना standard size लिया है which is UK size 5. मुझे बहुत अच्छी तरीके से fit हुआ. one more thing इसका grip भी जो है ना काफी अच्छा. shoes में matter करता है grip and sole. so sole इसका थोड़ा सा hard है but grip इसका काफी ज़्यादा अच्छा है. so मुझे again बहुत अच्छा लगा. आप इसे यू नो लिटरली आई हैव सीन लाइक इंस्टाग्रामर्स वेयर दिस काइंड ऑफ फुटवेयर विद ड्रेसेस आल्सो. सो ड्रेसेस एंड जीन्स एंड नॉर्मल कुछ भी के साथ आप पहन सकते हैं इसे. उसके बाद मैंने एक ये वाला फुटवेयर लिया है जो कि अगेन ब्लैक में है ना. मेरे जो पैर है ना ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, बिल्कुल नैरो नहीं है. सो बहुत कम फुटवेयर्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैर पे अच्छे लगते हैं. सो इस टाइप के क्लोज फुटवेयर जो है बहुत प्रिटी लगते हैं एंड आई हैव गॉट दीज म्यूल्स जो कि अगेन Shoetopia से है ना. यू कैन सी दैट प्रॉपर ये ब्लैक वाले म्यूल्स हैं एंड इसमें आपको ये चेन मिल जाएगा. ये एक्चुअली ना मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है दिखने में. इट ऑल्सो हैज ब्लॉक हील्स, 2 इंच के ब्लॉक हील्स आपको इसमें मिल जाएंगे. इसमें ग्रिप जो है यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा था बट वॉक करने के बाद इसमें ग्रिप आता है. काफ़ी अच्छे से यू नो बैठता भी है पैर में एंड प्लस इट हैज़ दिस लाइक रियली नाइस पॉइंटेड यू नो टिप टू इट. तो अगर आप थोड़े से शॉर्ट भी हो तो भी इस टाइप के पॉइंटेड हील्स जो है ना लाइक पॉइंटेड जो है वो आपको थोड़े से यू नो लंबे दिखा सकते हैं. सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड काफ़ी प्रीमियम लग रहा था. सो आई एब्सोल्युटली लव दिस. उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने अगेन ये पॉइंटेड हील्स लिए हैं बिकॉज अगेन मेरे पैर जो है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है. सो ये मैं आपको फुटवेयर दिखा रही हूँ. इट्स नॉट लाइक आपके पैर ब्रॉड है तो ही आप पहन सकते हो. नैरो फुटवेयर लाइक नैरो अगर पैर है तो उस पर तो कुछ भी अच्छा लग जाता है. सो इसलिए मैं स्पेशली आपको यू नो ब्रॉड फीट के लिए दिखा रही हूँ. सो ये भी इस टाइप से भी आप डेफिनेटली ले सकते हो. यू कैन सी दैट दिस इज प्रॉपर न्यूड फुटवेयर एंड इसमें ना ये तो न्यूड है ही, इसके साथ साथ आपको कुछ इस टाइप से बकल मिलता है जो कि बकल का जो ये पोर्शन है ना हार्डवेयर ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का है. इसमें आपको हील्स मिल जाएंगे अराउंड 2 इंच के जो कि अगेन काफ़ी कंफर्टेबल है. 2 to 3 इंच का हील बहुत कंफर्टेबल होता है किसी के लिए भी एंड ग्रिप भी इस हील में काफ़ी अच्छा आता है. सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. काफ़ी प्रीमियम लगता है दिखने में एंड इसे आप वेस्टर्न या इंडियन दोनों के साथ ही पहन सकते हैं. उसके बाद मैंने एक ये वाला फुटवेयर लिया है. अगेन मोस्टली जब आपके पैर थोड़े से ब्रॉड होते हैं ना इस टाइप से जो स्क्वायर वाला जो टिप होता है इसको अवॉइड करना चाहिए बट ये वाले फुटवेयर मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए तो मैंने इसे फाइनली ले ही लिया एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड विद द क्वालिटी क्योंकि क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है. यू कैन सी पूरा का पूरा वाइट है. इसे आप फिर भी रेनी सीजन में पहन सकते हो बिकॉज इसका जो मटेरियल है ना ये टोटली वाइट कर सकते हो. आप इसे वॉश कर सकते हो. इसका हील हाइट अराउंड 4 इंच है बट इतना कंफर्टेबल है ये. इसमें ग्रिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे रखा है एंड द क्वालिटी इज़ जस्ट रियली गुड. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. इसमें एक और कलर होता ना मैं ज़रूर ले लेती. बहुत ज़्यादा अच्छे आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं. अब तक आपने देखा कि मैंने बहुत ही
लेकिन वो सोबर कलर्स लिए, ब्लैक, वाइट, न्यूड. सो इस बार मैंने यहाँ पे ये वाले फुटवेयर लिए. समहाउ आई न्यू कि ये मुझ पर नहीं अच्छे लगेंगे, फिर भी मुझे चेक करना था कि मेरे पैर पे कैसे लगते हैं. यू कैन सी कि वाइट प्लेटफॉर्म हील्स है. प्लेटफॉर्म हील्स आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं. ग्रिप इसमें लाइक लिटरली सॉलिड दे रखा है. आप इसमें ना मतलब यू नो रेनी सीजन में भी बहुत अच्छी तरीके से पहन सकते हैं, बिकॉज इसका जो अगेन मटेरियल है ना, ये पूरा वाइप कर सकते हैं. कीचड़ वगैरह लग गया तो यू कैन डेफिनेटली वाइप दिस ऑफ. एंड अगेन ये स्क्वायर टाइप में है तो ब्रॉड फीट के लिए वैसे नहीं अच्छा लगता है. मेरे पैरों पे पर्सनल ओपिनियन है कि मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा था. नैरो पैर अगर आपके हैं तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो, बिकॉज इतना प्यारा सा ग्रीन कलर है, मुझे इतना प्रिटी लगा. आप जीन्स के साथ इसे डेफिनेटली पहन सकते हैं, कुर्तीज एंड ऑल के साथ तो नहीं चलेगा बिकॉज इट्स अ लिटिल टू क्वर्की. सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड इसमें जो ये सोल है ज़्यादा मतलब कुशनी नहीं है, बट हाँ अच्छा लगता है, आप इसे ले सकते हैं. बट नॉट मेंट फॉर मी, सो आई विल बी डेफिनेटली रिटर्निंग दिस, क्योंकि मेरे पैर पर नहीं अच्छा लग रहा था. उसके बाद आई हैव सो मेनी बॉक्सेस ओवर हियर कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा दिखाऊं. उसके बाद आई हैव दीज नाउ. ये भी मैंने ट्रांसपेरेंट वाले लिया. आपने मीशो पे ये डेफिनेटली देखे होंगे. मैंने भी इसे रिव्यू किया था आई थिंक 6-7 months पहले. बट वो वाले जो फुटवेयर मैंने लिए थे ना, उसका जो ये हील है ये बहुत वॉबली था. आई डोंट नो, इसमें बहुत सारे सेलर्स ऐसे शूज़ यू नो सेल कर रहे हैं, बट ये वाला जो हील है ना, ये बहुत वॉबली था पुराने वाले सेलर से. सो आई हैड टू रिटर्न दैट. एंड इस बार मैंने ये वाला लिया है. एंड ये वाला भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो वाइट मैंने आपको फुटवेयर दिखाया था ना, ये मैंने पहले ऑर्डर किया, इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, तब जाके मैंने ये वाला ऑर्डर किया सेम सेलर से. सो यू कैन सी काफ़ी अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है, इट हैज़ दिस रियली नाइस एम्बेलिशमेंट ओवर हियर एंड काफ़ी अच्छा लगता है. हील हाइट भी इसका काफ़ी अच्छा है बिकॉज ये पॉइंटेड नहीं है, एंड से काफ़ी स्टेबल है. एंड ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बिल्कुल अनकम्फर्टेबल नहीं फील करता. आपको लग रहा होगा प्लास्टिक या ऐसा कुछ टाइप का मटेरियल है. एंड दिस इज़ ऑल्सो एक्चुअली वाटर प्रूफ, जो कि काफ़ी अच्छा है. एंड इंडियन के साथ या फिर गाउन्स के साथ काफ़ी अच्छा लगता भी है. एंड ये लास्ट वाला फुटवेयर मुझे किसी ने रिव्यू करने बोला था, सो मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं. पर्सनली मुझे ये थोड़ा सा ठीक ठाक लगा, बट पहनने के बाद ही काफ़ी खूबसूरत लगता है. जैसे आप कोई भी यू नो कुर्ता के साथ पहन सकते हैं या फिर कोई भी एथनिक वेयर के साथ पहन सकते हैं. एंड ये बहुत जैसे मतलब बहुत कंफर्टेबल है. फॉर सम रीज़न ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है. एक तो यहाँ पे आपको ये दूसरे कलर का मिल जाएगा, ये वाला जो गोल्डन वाला पोर्शन है एंड ब्राउन वाला पोर्शन. मुझे इसका कॉम्बिनेशन नहीं पसंद आया, बट अदरवाइज ये मतलब वैसे काफ़ी अच्छा लगता है. ये जो पोर्शन है ना, ये भी मुझे काफ़ी लाइक हैंकी पैंकी टाइप का लगा, पर पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है. मतलब वंस इन अ वाइल अगर आपको पहनना है या अगर आपको अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली ले सकते हैं. प्लस इसकी क्वालिटी लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. आप देख सकते हो ग्रिप काफ़ी अच्छा दे रखा है. पहनने के बाद समहाउ काफ़ी क्यूट लगता है. सो इसीलिए आई विल बी कीपिंग दिस. सरप्राइजिंगली मुझे लगा था मैं रिटर्न कर दूंगी रिव्यू करने के बाद, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एंड दोज वो ऑल ऑफ द फुटवेयर्स दैट आई गॉट. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा. एंड इफ़ यू वुड लाइक टू सी अ पार्ट टू, बिकॉज मैंने मीशो पे देखा बहुत सारे अच्छे अच्छे फुटवेयर्स थे. सो आई वुड लव टू लाइक रिव्यू अ लॉट ऑफ फुटवेयर्स ऑल्सो फ्रॉम मीशो. बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही मैं ऐसा कंटेंट दिखाऊंगी. कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता देना. सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.